हाय गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं दो लोगों को ख़ास थैंक्स कहना चाहूँगा। एक है कामरान भाई और दूसरा है नुमान। ये वो लोग हैं, जब भी मुझे कुछ टेक्निकली पूछना होता है तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन के बारे में। हमारे पास हैं दो टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, एक है एनालॉग रेजोल्यूशन और दूसरी है डिजिटल रेजोल्यूशन। एनालॉग रेजोल्यूशन में हमारे पास होती हैं टीवीएल लाइन्स, और हमारी जो वर्टिकल लाइंस हैं ये बनाती हैं हमारा हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये बनाती हैं वर्टिकल रेजोल्यूशन। सो गाइस, जितनी ही आपकी टीवीएल जो है जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही आपकी पिक्चर क्वालिटी बेटर होगी। मैं आपको एक पिक्चर दिखा भी देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे पास जो है 450 टीवीएल पे पिक्चर क्वालिटी इतनी बेटर नहीं थी, और सेकंड नंबर पे 700 टीवीएल पे हमारी पिक्चर क्वालिटी जो है काफ़ी बेटर है। मैक्सिमम टीवीएल जो है हमारे पास 700 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल रेजोल्यूशन। सो गाइस, डिजिटल रेजोल्यूशन में जो है हमारे पास पिक्सल्स होते हैं, और जितने ही आपके पिक्सल पर इंच जो है ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी इमेज क्वालिटी जो है बेटर होगी, और इसको हम कहेंगे पिक्सल डेंसिटी। इसमें जो है कोई भी वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो है सिंपल रोज और कॉलम्स होते हैं, और इस तरह जो है आपको इसको डिनोट करते हैं। ओके गाइस, सो लास्ट में है हमारे पास फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं आपके रेजोल्यूशन को। तो नंबर वन पे है कैमरा, दूसरे नंबर पे है स्क्रीन। अगर तो आपने एलईडी लगाई हुई है और 4K एलईडी लगाई हुई है तो आपका रेजोल्यूशन काफ़ी बेटर होगा बनिस्बत जो है अगर आप नॉर्मल एलसीडी यूज़ करेंगे विद वीजीए केबल। और लास्ट में हमारे पास ट्रांसमिटिंग मीडिया, जैसे कि हमारी HDMI केबल जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी क्वालिटी काफ़ी बेटर होगी। इसके बाद जो है अगर कॉक्सियल केबल जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो आपकी क्वालिटी काफ़ी बेटर होगी। मैंने आपको पहले बताया भी है कि जहाँ भी आप इंस्टॉलेशन करें तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें। आपको जो है कॉक्सियल केबल में जो है 2000 रुपये की भी मिल जाती है और 3500 रुपीज़ वाली भी मिलती है। तो आप जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि आपके कस्टमर को कोई इशू ना आए, और जो है कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहे। ओके गाइस, सो लास्ट में मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वो सर्विसेज हैं जो हमारी फर्म प्रोवाइड कर रही है, और कहीं भी इन सर्विसेज से रिलेटेड आप कोई इशू आता है, स्पेशली इस्लामाबाद में अगर आपको कहीं पर रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, और खुशखबरी ये कि थैंक्स के जो लोग हमारे साथ रहे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जल्द ही इंस्टॉलेशन की जो वीडियोस हैं वो भी लेकर आएं, और जो है तो आपके लिए और अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आएं ताकि जो है आप ग्रो कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक कोर्स जो है CCTV का ये पसंद आया होगा। काइंडली जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और ये जो है तो आज ख़त्म का दिन था तो इसलिए जो है हमने स्वीट भी लगा दी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी पसंद आएगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन वीडियोज़ को लेकर आएँ।